हेलो किड्स एंड वेलकम टू क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट पेपर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अबाउट दी टाइगर कंजर्वेशन, जो कि ये एक्ट आया था 2006 के अंदर, जिसके अंदर 26 रिजर्वायर्स को कंजर्व करने की, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। तो टाइगर रिजर्व 26 प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी 2006 के अंदर। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? हॉटस्पॉट्स हैं वो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं? जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है। ओके, नाउ जब हम वाटर के पैरामीटर्स की बात करते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, तो हम क्या बात करते हैं? उसके बॉड की, कॉड की, एंड कॉलीफॉर्म्स कितने हैं उसके अंदर, दैट इज दी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड ई कोलाई से। कमिंग नेक्स्ट, हैवी मेटल्स हैं कैडमियम, कैडमियम से डिजीज होती है इटाइटाई, और नाइट्रेट अगर ज़्यादा होगा तो कौन सी डिजीज होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम। कमिंग नेक्स्ट टू फेरो मैग्नीजियम रॉक्स कौन सा है? ये है बायोटाइट मिक्का एंड एम्फी बोल रॉक्स। रैंक अबंडेंस कर्व, विटेकर जो कर्व है वो हमें क्या बताता है? स्पीशीज की रिचनेस बताता है, इवननेस बताता है, वो कितनी अबंडेंट है वहाँ पे, उसकी शॉर्टकमिंग्स और बायोडाइवर्सिटी हमें ये बताता है। लिंकॉल इंडेक्स, जहाँ पे हम एनिमल्स को मार्क और रिकैप्चर करते हैं, वहाँ पे ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? अबाउट द नंबर ऑफ द एनिमल्स। के सेलेक्टेड स्पीशीज जो है वो कब ज़्यादा होगी? वो डोमिनेट करेंगी ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेजेस। तो हमने क्या देखा इसके अंदर? वी टॉक अबाउट 26 बायो रिजर्व 2006 के अंदर। हमने देखा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है। वाटर की क्वालिटी जब हम चेक करते हैं तो हम उसका बॉड देखते हैं, कॉड देखते हैं, कॉलीफॉर्म लेवल देखते हैं। कैडमियम क्या कॉज करता है? इटाइटाई डिजीज। नाइट्रेट का पोल्यूशन क्या कॉज करता है? जब एक्सेस ऑफ नाइट्रेट होती है इन द वाटर बॉडीज, देन ये ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। फेरोमैग्नेटिज्म रॉक कौन सा है? बायोटाइट मिक्का। रैंक अबंडेंस और विटेकर प्लॉट हमें क्या बताता है? स्पीशीज की रिचनेस बताता है, बायो शॉर्टकमिंग्स और बायोडाइवर्सिटी। लिंकॉल इंडेक्स, जहाँ पे हम मार्क करते हैं और एनिमल को रिकैप्चर करते हैं, वहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितना है उस जगह में, वो हमें ये जानकारी देता है। के सेलेक्टेड स्पीशीज जो होती हैं, दैट इज डोमिनेंट ड्यूरिंग द मैच्योर लेवल स्टेजेस के अंदर। देन इंडिया के अंदर मैक्सिमम कौन से फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। कमिंग नेक्स्ट इज द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। तीन तरह की डाइवर्सिटी है, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा एंड गामा। विद इन द कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज को हम एक हैबिटेट, बिटवीन द टू हैबिटेट्स, और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी क्या है? गामा। एक हैबिटेट, बिटवीन द हैबिटेट्स एंड ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इज द गामा बायोडाइवर्सिटी। सैंड्यून किससे करेक्टराइज होता है? जहाँ पे विंड का डायरेक्शन होगा वहाँ पे जेंटल होगा, एंड विंडवर्ड स्टीपर एंड द लीवर्ड साइड, स्टीपर लीवर्ड साइड। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें है? आर्टिक के अंदर, सी के अंदर, और सबसे कम किसमें है? डीप सी के अंदर। इवोल्यूशन क्या है? एक सडन प्रोसेस नहीं है, ये जेनेटिक चेंज की बात करता है, ये बात करता है कि हम कैसे डिसेंडेंट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग अबाउट सी फोर प्लांट्स जो हैं वो क्या है? सी फोर प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होती है? सी टू साइकिल नहीं होती है। CO2 जो है ये क्लोरोप्लास्ट का सेग्रीगेशन होता है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एग्रोनल क्लोरोप्लास्ट, तो ये C2 नहीं होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। देन फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल नहीं होती है। ओके, तो हमने क्या देखा? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट है। ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? गामा डाइवर्सिटी। देन हमने देखा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसके अंदर है? आर्टिक के अंदर इन कंपैरिजन टू डेड सी। इवोल्यूशन कोई सडन प्रोसेस नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं और एक नया स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। C4 प्लांट्स में C2 साइकिल नहीं होती है। देन कमिंग नेक्स्ट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑन द अर्थ, ये ज्यादा इरेगुलर है इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, और एनिमल्स का रैपिड डिस्पर्सल होता है। क्यों? बिकॉज एनिमल्स क्या है? मोबाइल होते हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोटका वोल्टेरा प्रे प्रेडेटर डायनेमिक्स के बारे में बताता है, क्या इफेक्ट होगा उसका प्रेडेटर पॉपुलेशन पे, प्रे पॉपुलेशन पे। तो लोटका वोल्टेरा इकोसिस्टम, इको सेंसिटिव जोन जो है, कौन से एक्ट में हम बात कर रहे थे? Environmental Protection Act 1986 के अंदर। Coming next, Transboundary Hazardous Waste का जो transfer होता है उसे control करने के लिए act कब आया था? 1989 के अंदर।
कमिंग नेक्स्ट, इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक केमिकल्स का, टॉक्सिक एयर पोल्यूशन का होना। ईएमएस एनवायरमेंटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं? पांच चीजें, स्पेसिफिक है, एग्रीड है, इसे मेजर किया जा सकता है, देन रियलिस्टिक होता है और टाइम बेस्ड होता है। आईएसओ 14000 डिफाइन करता है स्कोप ऑफ द ईएमएस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कब करते हैं? डिजाइन फेज के अंदर। लियोपोल्ड जो है उसमें कितने पैरामीटर्स है? लियोपोल्ड इंडेक्स के अंदर 90 पैरामीटर्स है जो इंटरक्शन मैट्रिक्स है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक किसका पोल्यूशन है? आर्सेनिक का, फिर कैडमियम का, और उसके बाद आता है हमारा मिथाइलिन क्लोराइड। सो हमने क्या देखा? इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स का ओवर द वर्ल्ड। लोटका वोल्टेरा प्रीपीडेटर डायनेमिक्स की बात करता है। इको सेंसिटिव जोन का प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 के अंदर। 89 के अंदर ट्रांस बाउंड्री हजार्डियस सब्सटेंसेस का कंट्रोल एक्ट आया था। इंसिनरेशन जब करते हैं, जब किसी को जला देते हैं तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। इन्वायरमेंटल की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन को ईएमएस लेना है तो ये क्या है? ये पांच इंपॉर्टेंट है। जनरल नहीं होता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होता है। आईएसओ डिफाइन द स्कोप ऑफ द ईएमएस। उसके बाद हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं। कौन से फेज के अंदर? डिजाइन फेज के अंदर। देन वी टॉक अबाउट द लियोपोल्ड के अंदर कितना है? 90 पैरामीटर्स है। टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनिक इज मोर देन कैडमियम इन कंपैरिजन टू मिथाइलिन क्लोराइड। सो इट्स टाइम टू रिवाइज। हमने क्विक रिविजन करना है कि इसके अंदर हमने क्या देखा। हमने देखा कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा है, क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट है। फिर हमने बात करी कि वोल्का मोल्डेरा किससे रिलेटेड है? प्रे प्रीडेटर से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होंगे जहाँ एंडेमिक स्पीशीज को हमें कंजर्व करना होगा। जब हम ईएमएस की बात करते हैं तो पांच इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, वो स्पेसिफिक होगा, टाइम बाउंड होगा, रियलिस्टिक होगा, मेजरेबल होगा, अग्रीड होगा। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ये लियोपोल्ड इंडेक्स के अंदर कितने हैं? 90 पैरामीटर्स है। टाइगर रिजर्व्स की बात हमने कब करी थी? 2006 के अंदर। वाटर को जब हम वाटर क्वालिटी देखते हैं तो उसका बॉड देखते हैं, कॉड देखते हैं, कॉलीफॉर्म्स देखते हैं। आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी ज्यादा है कैडमियम से, और कैडमियम से कौन सी डिजीज होती है? इटाइटाई। नाइट्रेट एक्सेस होगा तो कौन सी डिजीज होगी? ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसके बाद आता है मिथाइलिन क्लोराइड। कमिंग नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म बायोटाइट माइका में प्रेजेंट है। लिंकोलन इंडेक्स जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल को मार्क एंड रिकैप्चर करते हैं, उसे उसका टोटल नंबर पता चलेगा। आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज होती है। के सिलेक्टेड कब ज्यादा होती है? मैच्योर फेज के अंदर ज्यादा होती है, वो डोमिनेट करती है। तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा विद इन द हैबिटेट, दो हैबिटेट्स के अंदर। बीटा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, गामा। उसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन क्या है। जेनेटिक चेंजेस बताता है, ये सडन नहीं है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उसके बाद हमने C4 प्लांट्स देखे जिसमें C2 साइकिल नहीं होती है, बिकॉज वहां पे क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ग्रेना। कमिंग नेक्स्ट टू ट्रांस बाउंड्री हैजार्डियस कंट्रोल एक्ट कब आया था? 1989 के अंदर। और 86 में क्या आया था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद हमने देखा था इंसिनरेशन क्या है, जहाँ पे टॉक्सिक एयर पोल्यूशन की गैसेस निकलती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।